हे माता जी, हे ठाकुर जी, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि देना, मेरी बहू को संतान देना। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बा, आपके लिए दूध और नाश्ता तैयार है, टेबल पर लगा दूं? अरे कलमुही, रोज रोज क्यों मेरा दिमाग खाती है? तुझे पता है ना, पूजा के बाद ही मैं नाश्ता करने बैठती हूँ। लगा दे नाश्ता टेबल पर और जा दूसरे काम पर लग जा। बेटी नम्रता, तुमने नाश्ता किया कि नहीं? इबा आई, नाश्ता नहीं किया, बाकी है। बा, ये नाश्ता तो ठंडा हो गया है। गोपी, ओ गोपी की बच्ची, नाश्ता तो ठंडा हो गया, तुझे पता नहीं क्या? बा, मैंने तो कप का नाश्ता लगा दिया था, आप देर से आई। जुबान लड़ाती है, एक तो पोता या पोती दे नहीं सकती और मेरे सामने जुबान लड़ाती है। कलमुही जा, ये नाश्ता और दूध गर्म करके ले आ। छोड़ो ना बा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मुझ पर कैसा हुक्म चला रही है? मैं नौकरानी थोड़ी हूँ। खाना लगा दो, मुझे काम से बाहर जाना है। जी आप बैठो, मैं लगाती हूँ। माँ और नम्रता कहीं दिख नहीं रहे? वो तो दोनों सुबह नाश्ता करके शॉपिंग में निकल गए हैं, आते ही होंगे। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। बा, मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे ताना मारते रहते हैं। मैं सब काम करती हूँ फिर भी मेरे काम की बुराई करती हैं। मुझे नम्रता के सामने जलील भी करती हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं बा से बात करूँगा।
आ गए बा, कहाँ गए थे आप दोनों? बाजार गए थे, नम्रता को कपड़े खरीदने थे और बच्चे के भी कपड़े लेने थे। बा, एक बात बोलो, तुम गोपी को ठीक से रखो ना, जैसे तुम नम्रता को रखती हो, आखिर में वो दोनों तुम्हारी बहुएं हैं। अरे उसका नाम मत लो मेरे सामने, वो अभागिनी है, माँ नहीं बन सकती। नीलेश, मैं तुमसे बात करने ही वाली थी, तुम उसको डिवोर्स दे दो और दूसरी शादी कर लो। बा, ऐसी बात मत करो, हमारा भी इलाज चल रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत जल्द संतान होगी। बा, अगर आइंदा ऐसी बात की तो हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे। अगर पापा जिंदा होते तो आपको बताते। सॉरी जेठ जी, बाकी बात सही है, आप बोले तो मेरे चाचा की लड़की है, तलाकशुदा भी है और खूबसूरत भी है। तुम छोटी हो, छोटी की तरह रहो राजेश, परदेश है, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर देता। इसको जो करना है वो करो, मैं तो खाना खाने बैठ जाती हूँ। गोपी, मेरी चाय ले आओ। जी बा, लाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी, बांजन कलमो ही कहीं की। ये क्या बोल रहे हैं बा, हमारा इलाज चल रहा है ना, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आहा, देखो तो सही, मेरे सामने बोल रही है, मुझे क्या शोभा देता है क्या नहीं है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। जा रसोई में जा, अपना काम कर। चलो बा, घूमने जाते हैं। चलो जाते हैं, इसके सामने नहीं रहना। दुर्गा बेन, ए दुर्गा बेन, आओ आओ शांति बहन, कैसी हो, बैठो। दुर्गा बेन, आपकी बहू कहीं नहीं दिख रही। अमृता तैयार हो रही है और गोपी रसोई में है। गोपी, शांति बहन आए है, चाय और पानी लेकर आओ। जी बाल, आती हूँ। दुर्गा बेन, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप आपकी बहू को किसी तांत्रिक बाबा के पास क्यों नहीं ले जाती? क्या तुम किसी ऐसे बाबा को जानती हो? हाँ, मुझे पता है, एक बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा है, वो बहुत अच्छी साधना करता है और आज से पैसों का बरसात करता है और कंकु भी निकलवाता है और संतान प्राप्ति भी करवाता है। ऐसा है तो हम गोपी को लेकर वहाँ जाएंगे, आप आओगी ना हमारे साथ? हाँ जरूर आऊंगी, कल जाएंगे। नम्रता तैयार हो गई ना, चलो जाना है। हाँ भाई, चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। गोपी यहाँ आना। बा, कल हमें एक बाबा के पास जाना है तुम्हारी संतान प्राप्ति के लिए, वो बाबा बहुत बड़ा चमत्कारी है, वो तुम्हें संतान प्राप्ति करवाएगा। ना बा, मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ। तुझे चलना ही पड़ेगा, मैं कहती हूँ तो तुझे चलना ही पड़ेगा। हमको डॉक्टर पर विश्वास है, साइंस पर विश्वास है, लेकिन ऐसे बाबा पर विश्वास नहीं है। मैं नीलेश से बात करूंगी, तो मैं समझाऊंगी। नीलेश, एक बाबा है, बड़ा चमत्कारी है, मैं गोपी को वहाँ ले जाना चाहती हूँ लेकिन वो मना कर रही है, मैं तो तुम लोगों का भला ही चाहती हूँ। गोपी, गोपी, बा इतना कह रहे हैं तो जाओ ना एक बार। पर हमारा तो इलाज चल रहा है ना, फिर भी आप कह रहे हैं तो ठीक है। चलो बा, गोपी आएगी। गोपी, खाना लगा दो, मुझे सुबह जल्दी जाना है। गोपी, कल शांति बहन आएंगे, उसके साथ जाना है, तैयार रहना। ठीक है बा। बा, मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ? नहीं, तुम घर पर रहो, बच्चे का और घर का ख्याल रखो। जी बा। दुर्गा बेन, ओ दुर्गा बेन, दुर्गा बेन तैयार हो क्या, अभी जाना है ना बाबा के पास? हाँ जाते हैं, चाय तो पी लो, बाद में निकलते हैं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय, जय हो बाबा की, जय। आओ शांति बेन, आओ, कैसी हो? अच्छी हूँ बाबा, आपकी कृपा है।
क्या तकलीफ है बोलो। ये मेरे रिश्तेदार दुर्गा बेन और उनकी बहू गोपी है, इनके लिए मैं आई। क्या तकलीफ है बोलो। इन गोपी को बच्चा नहीं हो रहा है बाबा, कुछ करो ना आपकी कृपा। कितने साल हुए शादी को? 9 साल हो गए बाबा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा, एक विधि करनी पड़ेगी। ठीक है बाबा, क्या करना पड़ेगा? आओ गोपी, तुम आगे आके बैठ जाओ। बाबा, परेश भाई आपसे मिलने। ये मेरा चेला राजू है, बुलाओ परेश भाई को। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा मेरा काम हो गया, आपका भेंट स्वीकार कीजिए। राजू ले ले ये भेंट, दे दो राजू को। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। राजू बाजार जा, नींबू, हरा कपड़ा, लाल कपड़ा, फूल, दूध और हार लेके आ। शांति बहन इसको 1000 रुपए दो। ये लो राजू 1000 रुपए। गोपी दोनों हाथ आगे करो। किसो दोनों हाथ। ए लो बाबा सब ले आया। लाओ यहां रख दो। ये लो गोपी पानी पी लो, ये मंत्रा हुआ पानी है। जी बाबा पी लेती हूँ। इसकी विधि अकेले में करनी पड़ेगी। ठीक है बाबा। चलो अंदर। राजू तुम यहाँ धूप हवन चालू रखना। जी बाबा। आओ गोपी बैठ जाओ। आओ यहाँ बैठ जाओ। साड़ी पहना कर लेकर आना। हम अगले हफ्ते आएंगे। जी की जय हो। नीलेश मुझे ये बाबा ठीक नहीं लग रहे हैं, ये मेरे साथ अंदर गंदी हरकतें कर रहा था। अच्छा ऐसी बात है, तब तो बाबा को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। कल ही जाते हैं हम विज्ञान जाथा में। ठीक है कल जाते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार, आप किस काम के लिए आए हैं? साहब एक तांत्रिक बाबा है, विधि का बहाना बनाकर महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करता है, अकेले में रूम में ले जाते हैं, मेरी बीवी के साथ ऐसा ही। उस बाबा ने हमें अगले हफ्ते भी बुलाया है बड़ी विधि के लिए, लाल साड़ी पहनकर आने को कहा है। आप ठीक जगह पर आए हैं, विज्ञान जाथा भारत भर में काम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र
तांत्रिक लोगों से अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते हैं, इसे खिलाफ जन जागृति का काम भी करते हैं। ऐसा कीजिए, जो ढोंगी बाबा है आपके साथ जो गंदी हरकत की है, हमारी महिला कार्यकर है, साथी कार्यकर आपके साथ रहेगी, आपकी बात को बोलना ये मेरी सहेली है, चिंता मत करना, आप ऐसा बताना ये मेरी सहेली है, उसके अनुसार आईपीसी 354 मुताबिक कानूनी कार्यवाही करेंगे, हम लोगों को जानकारी देंगे। ऐसा तांत्रिक बाबा ढोंगी बाबा के पास अकेली महिला उसके पास न जाए। गोपी, बाबा के पास जाना है, याद है ना तुझे? पता है ना शांति बहन आते ही होंगे, तुझे पता है ना बाबा ने क्या कहा है, लाल साड़ी पहनना है, जाओ तैयार हो जाओ। जी बा, ये मेरी सहेली सोनल है, ये भी बाबा के पास आशीर्वाद लेना चाहती है। ठीक है, ले लो साथ में उसे भी, बाबा बड़े चमत्कारी है। दुर्गा बहन, ओ दुर्गा बहन, तैयार हो क्या? अभी जाना है ना बाबा के पास। हाँ चलते हैं, पहले चाय तो पी लो, बाद में निकलते हैं। दुर्गा बहन, ये कौन है? गोपी की सहेली है, उसको भी बाबा का आशीर्वाद लेना है। बाबा बहुत बड़े चमत्कारी है। जय हो बाबा की, जय हो। बाबा, पानी में मैंने 3 नीम की गोली मिला दी है। तबाश। आओ आओ, आ गए आप। ये कौन है? ये मेरी सहेली सोनल है, ये भी दुखी है, ये आपके पास विधि के लिए आई है। आज तो सिर्फ तुम्हारी विधि होगी, इसको कल आना पड़ेगा। आज सिर्फ तुम्हारी विधि होगी। ठीक है बाबा, मैं कल आऊँ। शांति बहन, ये विधि थोड़ी लंबी चलेगी और इसके 5,000 रुपए लगेंगे। ठीक है बाबा। ये लो बाबा 5,000 रुपए। रख दो। राजू, ये 5,000 रुपए ले लो। राजू, ये लाओ। गोपी, ये पानी तुम पी लो। जी बाबा, पी लेती हूँ। इसकी विधि अकेले में करनी पड़ेगी। ठीक है बाबा। चलो अंदर। मुझे नींद जैसा आ रहा है। कुछ नहीं है, ये तो विधि का असर शुरू हो रहा है। चलो अंदर। बैठ जाओ। भागो भागो, विज्ञान जादो पुलिस आई है। हम विज्ञान जाधव से आए हैं, आप क्या विधि कर रहे हैं? ये गलत विधि है कि इसी बात करते हो, हम सारे भारत में काम करते हैं, ये गलत काम है, आपके साथ FIR भी दर्ज हो सकती है। ये कौन है, कैसे ऐसी विधि करते हो तुम? आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका? हम तो सिर्फ विधि कर रहे थे। मैं जयंत पंड्या हूँ,
और सारे भारत में काम करता हूँ। ये संतान प्राप्ति के इसी विधि करते हो? हम लोगों को गुमराह करते हो, तंत्र विद्या करते हो, उसके पैर बांधा रखा है, ये गलत काम है। और शारीरिक छेड़छाड़ का IPC 354 दर्ज हो सकता है। ऐसा गलत काम बंद कर दो, ये गलत काम है। जी सर, गलती हो गई। तुम्हारा ये जो चेला है और आपने जो उसको 5,000 रुपये इसी रकम ली है, विधि की कौन सी विधि की? उसके चेले को लेकर आओ। चेला कहाँ है? तुम बाबा का चेला हो, जो पैसे दिए हैं वो वापस दे दो। क्यों ऐसे पैसे रखते हो? ये ढोंगी बाबा ने अपनी भूल कबूल ली है। हम सारे भारतवासियों को विनती करता है, ऐसे तांत्रिक बाबा हो या अनजान ज्योतिषी हो या ले बाबू कोई भी हो, ऐसा काम करते हैं, संतान प्राप्ति का काम करते हैं, रुपया दुगने करने के काम करते हैं, गुप्त धन की बात करते हैं, तो सावधान नहीं है। यहाँ एक महिला के साथ छेड़छाड़ किए, हमने एटोगी बाबा को पकड़ लिया है और पुलिस हवाले कर लिया है, इसलिए जागरूकता खेले हुए। ऐसे डोंगी बाबा से देश का कुछ भी भला नहीं हुआ है, तो लोग सावधानी रखें। साहब, उसके साथ कानूनी कार्यवाही करनी है, इसलिए उसको साथ में ले लो। गोपी, नीलेश, मुझे माफ कर दो, संतान की लालच में मैं अंधी हो गई थी। तो रवि, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है। हम दोनों साथ में घूमेंगे और साथ में काम करेंगे। विज्ञान जगत समग्र भारत में जनजागृति का साथ अंशता के खिलाफ काम करता है। 1,200 से ज्यादा ढोंगी पाखंडे का पर्दाफाश किया है, एक भी सजा नहीं है। हमने राजकोट जिला के एक तांत्रिक का पर्दाफाश किया, उसने असंख्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। उसकी हकीकत से आधारित, सत्य घटना के आधारित हमने एक टेलीफिल्म शॉट बनाई है। लोगों को हम जानकारी देते हैं कि अज्ञात स्त्री कोई भी तांत्रिक बाबा के कहीं भुजावर किसी के पास न जाए। अपना शारीरिक मानसिक आर्थिक जो वृद्धि होती है, उसके जो शोषण होता है, इसके लिए भी वो सावधान रहे। तो हमने वेब सीरीज आपको पसंद आएगी, आपका मार्गदर्शन हम लोगों का इतने हैं, और हमको ये जानकारी के साथ लोगों जनजागृति के साथ ऐसी ढोंगी के साथ कैसे बचे वो भी अनुभव करें।